हेलो एवरीवन, और आज की रेसिपी है पनीर इन कोकोनट ग्रेवी। ये कोकोनट मिल्क बेस्ड ग्रेवी है। इसका टेस्ट थोड़ा अलग और बहुत ही मज़ेदार आता है। फॉर नॉर्थ इंडियन पैलेट्स इट इज़ अ स्लाइट डिफरेंट समथिंग, लेकिन ये स्वाद बहुत लगता है। शुरुआत करते हैं। पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल और डाला है मैंने यहाँ पे एक प्याज। ऐसे ही थोड़ा सा रफली काट लीजिए, क्योंकि ये आगे हमको पीसना है, इसलिए बहुत फाइन इसको काटने की ज़रूरत नहीं है और बहुत भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पका लीजिए। ऐड कीजिए इसमें कटा हुआ अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्च। ये सब चीज़ें भी आप थोड़ा बारीक काट के डाल सकते हैं, पेस्ट करके डाल सकते हैं, बट इवेंचुअली ये सब पिसना ही है, इसलिए आप मोटा मोटा भी डाल देंगे तो चलेगा। इसको बहुत कलर देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ये पक जाए। ऐड कीजिए इसमें 2 लाल टमाटर काटे हुए। टमाटर भी मैंने रफली चॉप किया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पे लिए थे। ज़रा सा नमक ऐड किया है, जिससे कि ये जो मसाला है इसकी कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। गिव इट अ गुड मिक्स और अब इसको ढक्कन लगाकर पकने दीजिए, तब तक जब तक आपको ये जो आपके टमाटर हैं ये सॉफ्ट लगे। मैंने यहाँ स्पैचुला से इसको हीट करके देखा है, ये मशी हो चुका है। इसे मिक्स दीजिए, गैस बंद कीजिए और ये जो मसाला है ये अभी पीसा जाएगा। बट उससे पहले इट इज़ मैंडेटरी कि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाए। इतना गरम गरम अगर इसको पीसेंगे तो किचन में एक्सीडेंट के चांसेस हैं। मैंने इसको एक प्लेट के ऊपर फैला दिया है थोड़ा ठंडा करने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, मैं एक दूसरे बर्तन में ले रही हूँ यहाँ पे अराउंड 3 स्पून कोकोनट मिल्क पाउडर है ये, और इसमें मैं डाल रही हूँ वार्म वाटर। अराउंड 200 ml वार्म वाटर मैंने डाला है। एक्चुअली हर कोकोनट मिल्क पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आप किस तरह से थिक या थिन कोकोनट मिल्क बना सकते हो। मुझे अराउंड 200 ml मिल्क चाहिए था, थिन मिल्क, तो मैंने अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ये बना लिया है। आप फ्रेश कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मसाला ठंडा हो चुका है, इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के बिल्कुल फाइन, लाइक एज़ फाइन एज़ पॉसिबल आप इसको पीस लीजिए। इसमें इस स्टेज पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाला पीसकर तैयार है। अभी ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सेम पैन में मैंने फिर से लिया है थोड़ा सा ऑयल और इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, कुछ 1 हरी इलायची, इसके बाद जाएगा इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर मैंने डाल दिया, एंड देन थोड़ा सा ज़ीरा। और यहाँ डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्चें, सादा लाल मिर्चें, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और अभी ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। जब आप तेल में डायरेक्टली मसाले भूनते हैं तो उनके जलने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अराउंड 2 चम्मच पानी भी डाल दिया है। बहुत पानी नहीं डालिएगा वरना पानी सुखाने में टाइम लगेगा, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो देखिए मसाला कितना सुंदर तैयार हो गया है, तेल जैसा दिखने लगा है। तो जो अभी हमने मसाला पीसा था टमाटर वाला, वो ऐड कर दें। सेम जार में मैंने थोड़ा पानी डालकर उसमें जो रिमेनिंग मसाला था वो भी निकाल लिया और यहीं ऐड किया है। ये किचन किंग मसाला, थोड़ा सा चीनी डाला है मैंने यहाँ पे, चीनी सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, और इसमें इतना जो टमाटर और मसाले हैं वो सभी फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, टार्ट को बैलेंस करने के लिए ऐड किया है। गिव इट अ गुड मिक्स और अभी ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह मिक्स करके हमें थोड़ा पकाना है, यानी कि पहले बॉयल का वेट कीजिए। अच्छी तरह इसमें एक उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ढक्कन लगा कर मैं इसे रख दूँगी, कुछ 2 मिनट में ही इसमें अच्छा बॉयल आने लगेगा। लुक एट दिस, ढक्कन लगा कर ही पकाइए। इतनी जो थिक ग्रेवीज होती है ना, वो उबलते हुए बहुत छींटे उड़ाती हैं आप पर या किचन में इधर उधर गंदगी कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने ऐड किया है 2 हरी मिर्चें, कम्प्लीटली ऑप्शनल, आपको पसंद है डालिए, नहीं पसंद मत डालिए। और फिर ये कटा हुआ पनीर है अराउंड 300 ग्राम्स, मैंने यहाँ इस तरह क्यूब्स में डालकर काट कर यहाँ ऐड किया है। अब ये जो ग्रेवी है इसमें पनीर को अच्छे से टॉस कीजिए, मिक्स दीजिए। और हमें यहाँ पे ऐड करना है थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये जो अभी पनीर दिख रहा है ना, ये बहुत थिक सब्ज़ी है, इतना थिक नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा पानी ऐड कीजिए इसको पकाने के लिए, एज इन पनीर को पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ ये पनीर और ग्रेवी एक रस दिखने लगे उतनी देर के लिए। ध्यान दीजिए जो मिल्क आपने बना के रखा है वो भी इसी में जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी मत डालिएगा। यहाँ मैं थोड़ा सीजनिंग एडजस्ट करके इसे जस्ट 2 मिनट्स पकने के लिए रखूँगी। 2 मिनट्स में इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल दिखने लगेगा। मैं बस गैस बंद कर रही हूँ, पनीर को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए, अदरवाइज़ ये च्यूई हो जाता है। गैस बंद कर दिया है, ये कंसिस्टेंसी मेरे लिए ठीक है। ऐड कर रही हूँ मैं थिन कोकोनट मिल्क, क्योंकि ये थिन कोकोनट मिल्क है, ये ऐड करने के बाद ग्रेवी और भी थिन हो जाएगी, बट वी विल हैव इट विद राइस।
इट कॉम्प्लीमेंट्स बेस्ट विद राइस, पर आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हो। और थोड़ा सा थिन ग्रेवी रखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार लगता है। और इसको आप थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देंगे ना, तो ये इससे थोड़ा तो थिक हो ही जाएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ज़रूर बनाइएगा, ये एकदम ही कम्फर्ट मील बोल होगा आपका जब आप ये ट्राई करें। आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।